प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है, व्हाट इज ओरिएंट एक्सप्रेस, या इसी को बच्चों एक और लैंग्वेज में आपको पूछा जा सकता है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है। इस ट्रेन का नाम है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, पूरा नाम है बच्चों, व्हाट इज रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हमारा फोकस इस ट्रेन के ऊपर होगा बच्चों। यह एक विशेष प्रकार का ट्रेन है, लग्जरियस ट्रेन बच्चों, लग्जरी से भरा हुआ ट्रेन, ऐसा ट्रेन जिसमें बच्चों बहुत सारी सुख सुविधा है, बहुत सारी फैसिलिटीज है बच्चों, और जब आप जाएंगे तो आपको फील होगा राजा महाराजा हम बन चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य आपको इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, एक सामान्य इंसान इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, लाखों में इसकी टिकट के दाम होता है, समझे बच्चों। तो प्रश्न उठता है कि सर यह ट्रेन कहां से कहां चलता है। बच्चे देखिए, यह ट्रेन बेसिकली गुजरात से लेकर राजस्थान तक, कहां से कहां बोलो, गुजरात से राजस्थान तक यह ट्रेन चलती है बच्चों। कहां से कहां तक बोलो, गुजरात से राजस्थान तक के बच्चों जितने भी हेरिटेज स्थल हैं, विरासत स्थल हैं, उन सबको यह कवर करता है और आप बच्चों वहां पर जाकर के ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों बहुत ज्यादा पैसा है, बेशुमार पैसा है, तो मैं चाहूंगा इस ट्रेन पर आप जरूर जाएं बच्चों, गजब का फीलिंग आएगा। यह ट्रेन समझिए बच्चों लग्जरियस ट्रेन है, अगर जीवन में मजा उठाना है तो इस ट्रेन पर जाइए बच्चों, ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपको गुजरात के जितने भी पर्यटन स्थल है बच्चों, जितने भी वो सरम स्थल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को एक संस्था है जो भी इंडिया का है ना संस्था, मतलब बड़े 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 अच्छे अच्छे जगह उनको बच्चों एक विश्व विरासत स्थल घोषित करता है यूनेस्को बच्चों। फिर इसी प्रकार राजस्थान में जो फेमस जगह है, राजस्थान में अगर आपको फेमस जगह है बच्चों अजमेर का किला जाना है, या अलग अलग बच्चों ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर में, या बहुत जगह है बच्चों। ठीक है, जंतर मंतर भी राजस्थान में है, जंतर मंतर नई दिल्ली में भी है बच्चों। कहने का सेंस है कि अगर आपको गुजरात और राजस्थान के बीच में अगर बहुत सारे टूरिस्ट स्थल जाना है, पर्यटन स्थल, तो आप जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं बोलो, किस ट्रेन से बोलो, ओरिएंट एक्सप्रेस। ये ट्रेन बना ही इसलिए है। ठीक है बच्चों, इस ट्रेन की शुरुआत 1994 से 1995 में बच्चों शुरू हुआ, 1994-95 में ये ट्रेन की बच्चों यह जो सर्विस है देना क्या हुआ, शुरू हुआ। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1994 से 1995 गुजरात से बोलो, गुजरात से राजस्थान। ठीक है, और इस ट्रेन की क्या खूबी है बच्चा, इस ट्रेन में आपको वाईफाई, इंटरनेट, सुख सुविधा, मीट मछली जो खाओ, मतलब जिस तरह का आपका ऑर्डर होगा बच्चों, तमाम आपकी सुख सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। आप जब जाएंगे आपको फीलिंग आएगा कि मैं एक महाराज बन चुका हूँ, जैसे राजे महाराजा पुराने जमाने में होते थे, वैसे मजा आ जाएगा बच्चों इस ट्रेन में। ठीक है बच्चों, क्या ये एक सिंगल ट्रेन है ओरिएंट एक्सप्रेस? नहीं बच्चों, चार पांच ट्रेन है। अब चार पांच ट्रेन का नाम याद करते बच्चों, एक है ट्रेन डेक्कन ओडिसी। कौन ट्रेन है बच्चों? डेक्कन ओडिसी बच्चों। ये ट्रेन बस क्या है बोलो, डेक्कन ओडिसी। अगर आपको मुंबई में रहते हैं और मुंबई घूमने का पूरा शौक है, पूरा महाराष्ट्र कहिए, मुंबई तो बहुत छोटा है, पूरे महाराष्ट्र में अगर अच्छे अच्छे जगह घूमना है बच्चों, ये डेक्कन ओडिसी चाहिए, पूरा महाराष्ट्र का सैर करवाएगा बच्चों। ये भी एक लग्जरियस ट्रेन है, लग्जरियस मतलब लग्जरी से भरा हुआ, मतलब सुख सुविधा इतना जबरदस्त है बच्चों, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरा महाराष्ट्र का अगर आपको सफर करना है तो डेक्कन ओडिसी जा सकते हैं। अगर आपको गुजरात और राजस्थान का सफर करना है तो आप ओरिएंट एक्सप्रेस जा सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों एक ट्रेन और है, पैलेस ऑन व्हील्स। सभी ट्रेन को याद रखना, पैलेस ऑन व्हील्स, मतलब ये ट्रेन बेसिकली बच्चों बनाया है इसलिए राजस्थान में घूमना है। अगर राजस्थान में सिंपल घूमना है, अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में घूमना है बच्चों, तो पैलेस ऑन व्हील्स, व्हील्स का मतलब बच्चों चाहिए पहिया, व्हील्स मतलब क्या होता है बोलो, पहिया। पैलेस मतलब होता है राजमहल। अब पूरे राजमहल जगह तो जगहों को बच्चों आप अच्छे से जगहों को, पैलेस मतलब जगह भी होता है, शानदार जगहों को पैलेस कहते हैं। तो पहियों पर बच्चों पूरा राजमहल है, मतलब कहने का सेंस ट्रेन का नाम है पहियों पर पूरा राजमहल, अच्छे अच्छे शानदार जगह। ये कहां चलता है बुआ? राजस्थान में। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान घूमना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कहां घूमना है बच्चों, राजस्थान, तो आप जाइए पैलेस ऑन व्हील्स। अगर राजस्थान के अलावे गुजरात भी घूमना है
तो आप जाइए कहां पर, ओरिएंट एक्सप्रेस, जिसे हम लोग रॉयल ओरिएंटल रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस भी कहते हैं, इसे हम लोग रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस भी कहते हैं। बच्चों एक और ट्रेन है, गोल्डन चैरियट, गोल्डन रथ, बोलो गोल्डन रथ। बच्चों ये बेसिकली दिल्ली से लेकर आगरा तक, दिल्ली से लेकर कहां तक, आगरा, आगरा जानते हो ना, यूपी, ताजमहल, यमुना नदी किनारे, ठीक है बच्चों। सुनिए तो गोल्डन रथ, बच्चों सुनिए एक ट्रेन है, कौन ट्रेन, बोलो गोल्डन रथ, गोल्डन बोलो रथ, गोल्डन रथ, गोल्डन रथ, जी ओ एल डी एन, गोल्डन चैरियट, चैरियट, चैरियट मतलब क्या होता है बच्चों, रथ। ये ट्रेन कहां से कहां जाती है बच्चों, बोलो ये ट्रेन जाती है आपको दिल्ली से लेकर आगरा, बोलो दिल्ली से लेकर कहां, बोलो आगरा, ये दिल्ली से लेकर आगरा जाती है बच्चों। नहीं नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये गोल्डन रथ है ना, गोल्डन रथ मैंने उल्टा कर दिया, एक महाराजा एक्सप्रेस है। ओहो देखिए यहां मिस्टेक हो गई, सुनिए बच्चों ये महाराजा एक्सप्रेस है, महाराजा एक्सप्रेस जो है ना, महाराजा एक्सप्रेस ये जाती है दिल्ली से कहां तक, आगरा, महाराजा एक्सप्रेस, माफ कीजिए कौन एक्सप्रेस बोलो, महाराजा एक्सप्रेस, मैंने उल्टा बता दिया, महाराजा एक्सप्रेस ये जाती है दिल्ली से कहां तक, बोलो दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा कहां, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है बच्चों। एक गोल्डन रथ भी है, गोल्डन रथ, आप देखिए गोल्डन रथ, गोल्डन चैरियट, ये कहां कहां घुमाते बच्चों, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बोलो कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बच्चों ये पांच जगह घूमना है, कहां कहां बोलो, बोलो कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका और बोलो केरल, केरल, गोवा, गोवा, तमिलनाडु, तमिलनाडु और पांडिचेरी, पांडिचेरी या पुडुचेरी, इसका जो नाम है पांडिचेरी, पांडिचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी भी कहते हैं बच्चों। तो मैं हम लिख देता हूँ पुदुचेरी, पुदुचेरी बच्चों, ये सब एक ही जगह पर है, मतलब एक ही एरिया में, दक्षिण भारत में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बोलो, दक्षिण, दक्षिण भारत है ना, तो वहीं पर ये जगह सब पड़ता है, समझे बच्चों, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब कौन रथ है बताओ, गोल्डन रथ, गोल्डन चैरियट, गोल्डन चैरियट, गोल्डन चैरियट, चैरियट मतलब रथ, चैरियट मतलब क्या था बोलो, रथ, सी एच ए आर आई ओ टी, चैरियट। तो बच्चों तुम लोग रिवाइज कर लो जो भी पढ़ा, ठीक है, वी विल रिवाइज। ओरिएंट एक्सप्रेस कौन ट्रेन है, शाही ट्रेन, कौन ट्रेन है, शाही ट्रेन, विलासिता वाला ट्रेन, लग्जरियस ट्रेन, सानो सौकत वाला ट्रेन, मस्त ट्रेन, कंफर्टेबल ट्रेन, मतलब आप इसमें फीलिंग है, वाह क्या ट्रेन है, बोलेगा वाह जिंदगी है तो ऐसी, वो वाले ट्रेन बच्चों। ये कहां से कहां चलती है बोलो, गुजरात से राजस्थान, कपड़ा नाम क्या है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, बोलो रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ये गुजरात से बच्चों राजस्थान तक की आपको जो भी टूरिस्ट वाली जगह है उन सबको कवर करेगा, ठीक है, क्लियर, समझ आया बच्चों, क्लियर है ना, फिर बात करते हैं, फिर कहा कब से कब शुरू हुआ, 1994 से 1995 तक शुरू हुआ बच्चों। आगे बात करते हैं, एक ट्रेन क्या है भाई, इसका नाम क्या है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। फिर बात करते हैं बच्चों डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी भी एक अगेन लग्जरियस ट्रेन है बच्चों, यह जाती है आपको पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करवाती है, पूरा महाराष्ट्र का सैर करवाती है, पूरा ट्रेवलिंग करवाती है, कहां का, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जितने भी बच्चों अच्छे अच्छे जगह हैं, जो फेमस जगह हैं, उन सब का बच्चों पर्यटन स्थल को आपको क्या करेगी, घुमाएगी, समझे बच्चों, डेक्कन ओडिसी। एक है पैलेस ऑन व्हील्स, बोलो पैलेस ऑन व्हील्स, ये कहां घुमाते हैं बच्चों आपको, राजस्थान, राजस्थान भ्रमण, राजस्थान का भ्रमण करना है, राजस्थान किला वगैरह, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों घूमना है, जगह है आपको जाना है, तो उस ट्रेन स्पेशली राजस्थान के लिए बना है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक है महाराजा एक्सप्रेस, ये तो बता दिया, दिल्ली से लेकर आगरा, दिल्ली से लेकर आगरा, बीच में चार मतलब तीन स्टेशन और हैं, वो बच्चों और जगह आप घूम सकते हैं, यूपी, दिल्ली को यूपी से कनेक्ट करने वाला जगह है बच्चों, ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस। फिर बच्चों गोल्डन रथ है, गोल्डन चैरियट, जो कि तमिलनाडु, गोवा, केरला, कर्नाटका और पुदुचेरी या पौंडीचेरी भी जिसे कहते हैं बच्चों, ये सभी क्या है, ये सभी लग्जरियस ट्रेन है, तो आपको ये सभी याद रखना है, ठीक है आपको बच्चों, ये सभी एग्जाम में, ये तो क्लास 12 में पूछा गया था, और बच्चों ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ये फलाना ट्रेन, ये लग्जरियस ट्रेन जो है ये कहां से कहां तक चलती है, तो ये यहां से यहां तक चलती है बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको ज्ञान मिला होगा, आप कम समय में ही मैक्सिमम चीजों को गेन कर लिए होंगे बच्चों, इन सबको लिख लीजिए अपने नोट में,
बच्चों आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चों। मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।